नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। लद्दाख में 0.14 सेकंड चीनी सैनिकों के टेंट हटाने से इनकार पर शुरू हुई थी झड़प, जाने गलवान घाटी में क्या क्या हुआ। लद्दाख LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव हिंसक रूप में बदल चुका है। इस हिंसक झड़प में दोनों ओर की सेनाओं को नुकसान हुआ है। उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों ने बताया है कि गलवान नदी पर जानलेवा भिड़ंत हुई, जिसमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और दो अन्य जवानों की जान चली गई। यह घटना तब हुई जब सेना भारतीय ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टेंट को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया। इस टेंट को पोजिशन कोड पेट्रोल पॉइंट 14 के पास लगाया गया था, जो इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय पक्ष के अंदर आता है। लड़ाई फाइटिंग कैसे शुरू हुई, इस पर कुछ जानकारी सामने आई है, लेकिन घटनाओं से परिचित सरकारी सूत्रों ने बताया कि PLA के सैनिकों क्लासोजर्स ने 0.14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई इंडियन एक्शन का जवाब दिया और फिर लोहे की छड़ और क्लबों का उपयोग हमले के लिए किया। यहीं हुई बैठक में पिछले हफ्ते सैनिकों को कम करने पर बनी थी सहमति। सूत्रों ने बताया कि दोनों ओर की सेनाओं के सैनिकों को लड़ाई में गंभीर चोटें आईं। सूत्रों ने कहा कि गहन चिकित्सा के लिए ऐसे सैनिकों को सैन्य अस्पतालों मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है। 0.14 गलवान और श्योक नदियों के संगम के पास है। पिछले सप्ताह एक डिवीजन कमांडर स्तरीय बैठक इसी स्थान पर हुई थी, जहां भारतीय सेना और PLA प्लाट ने सैनिकों को कम करने के लिए सहमति जताई थी। इस कदम को मई से शुरू हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महीनों पुराने संकट के समाप्त होने की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा गया था। हाथापाई के दौरान भीषण लड़ाई रोकते हुए प्ला सैनिकों ने बनाया निशाना। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि उन सटीक परिस्थितियों की जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत कर्नल बाबू की मौत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा समझ आता है कि हाथापाई के दौरान भीषण लड़ाई टालने की कोशिश करते हुए PLA प्ला सैनिकों ने उन्हें निशाना बनाया। स्थानीय PLA कमांडरों, सरकारी सूत्रों ने कहा, मंगलवार की सुबह लड़ाई को टालने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिससे स्थानीय स्तर की सैन्य वार्ता हो सके। यह मीटिंग इस रिपोर्ट को लिखने के समय तक चल ही रही है। एक सैन्य अधिकारी ने कहा, हम अब तक जो भी जानते हैं उससे यह लगता है कि चीन की सबसे अधिक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि उन्होंने हमसे उम्मीद नहीं की थी कि हम अपने मैदान पर डटे रहेंगे। जम्मू से रजनीश परिहान की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.